राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कश्मीर विवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भारत में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है। जी हां, संसद में इसको लेकर विवाद हुआ। विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग की गई, लेकिन भारत ने जिस तरह इस मुद्दे पर जवाब दिया है उससे अमेरिका बैकफुट पर है। जी हां, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जिस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, सूत्रों की माने तो जापान के ओसाका की उस मुलाकात में कश्मीर मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान में दो हफ्ते पहले की मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं, यानी जापान के ओसाका में जो G20 समिट हुआ उस दौरान ट्रंप मोदी में जो बात हुई उसमें कश्मीर का जिक्र हुआ था। लेकिन सूत्रों की माने तो ओसाका की मुलाकात में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये बात दोनों तरफ से कही जा रही है। अमेरिका और भारत के सूत्रों का दावा है कि ओसाका में कश्मीर मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमरान खान के सामने कहा है वह दावा गलत हो सकता है। अगर ओसाका में हुई मुलाकात की बात करें तो उस राउंडअप मीटिंग की एक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने वीडियो जारी कर दी थी। जी हां, इवांका ट्रंप ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 5G, राष्ट्रीय सुरक्षा, ट्रेड और ईरान को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि उस वक्त भारत और अमेरिका में टैरिफ वॉर चल रही थी और वहीं बैठक का एजेंडा भी रहा था। जी हां, इवांका ट्रंप व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की एडवाइजर भी हैं। देखें इवांका ट्रंप का वो वीडियो। We are here at the G20 in Osaka, and the Prime Minister Modi and Prime Minister Abe just concluded a meeting with the President talking about 5G technology, particularly with a focus on its security implications. Really important meeting, and lay the foundation for a subsequent productive conversation, a one-on-one meeting between the President and Prime Minister Modi, where the same issues were covered, of course 5G, as well as the trade relationship between the United States and India, a critical trading partner and a critical security partner and a critical ally. So it was a productive discussion. Everything from Iran to national security was covered by the President and the U.S. delegation with their Indian counterparts. And it's been a productive morning, to say the least.